जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री राधा माधव चिंतन पुस्तक से पूज्य श्री भाई जी बता रहे हैं श्री राधा कृष्ण का विवाह, कल से आगे का। इस प्रकार ऋषिकेश्वर राधानाथ अपनी प्रिया को अतीत की स्मृति दिलाकर, स्वरूप की स्मृति कराकर, उन्हीं के नाम की सुधा से उनको सिक्त कर प्रियतमा श्री राधा का आनंद वर्धन करने लगते हैं। राधा भाव सिंधु में भी तरंगे उठने लगती हैं, भाव के आवृत बन जाते हैं। आवृत राधा नाथ को रस के अतल तल में डुबाने ही जा रहे थे कि उसी समय माला कमंडलू धारण किए जगत के विधाता चतुर्मुख ब्रह्मा आकाश से नीचे उतरते हैं, राधा और राधा नाथ के चरणों में वंदन करते हैं। राधा चरणारविंद, दर्शन का वर प्राप्त किया। उसी वर की पूर्ति के लिए एवं राधा नाथ की मनोहारिणी लीला में एक छोटा सा अभिनय करने के लिए योग माया प्रेरित श्री ब्रह्मा जी उपयुक्त समय पर आए हैं। भक्ति नतमस्तक सा अश्रु नेत्र हुए विधाता बड़ी देर तक तो राशेश्वर की स्तुति करते रहे, फिर राशेश्वरी के समीप गए, अपने जटा जाल से श्री राधा के युगल चरणों की रेणु कणिका उतारी, रेणु कण से अपने सिर का अभिषेक किया, तत्पश्चात कमंडलू जल से चरण प्रक्षालन करने लगे। तदनंतर उन्होंने श्री कृष्ण प्रिया का स्तवन आरंभ किया, न जाने कितने समय तक करते रहे। अंत में राधा मुखारविंद से युगल पाद पद्मों में अचला भक्ति का वर पाने पर उन्हें धैर्य हुआ, अब उस लीला का कार्य संपन्न करने चले। श्री राधा एवं राधा नाथ को प्रणाम कर दोनों के बीच में विधाता अग्नि प्रज्वलित करते हैं, अग्नि में विधिवत हवन करते हैं, फिर विधाता के द्वारा बताए हुए विधान से स्वयं राशेश्वर हवन करते हैं। इसके पश्चात राशेश्वरी राशेश्वर दोनों ही 7 बार अग्नि प्रदक्षिणा करते हैं, अग्निदेव को प्रणाम करते हैं। विधाता की आज्ञा मानकर श्री राधा एक बार पुनः हुताशन प्रदक्षिणा करके श्री कृष्णचंद्र के समीप आसन ग्रहण करती हैं। ब्रह्मा श्री कृष्णचंद्र को राधा का पाणी ग्रहण करने के लिए कहते हैं तथा श्री कृष्णचंद्र राधा हस्तकमल को अपने हस्तकमल पर धारण करते हैं। हस्त ग्रहण होने पर श्री कृष्णचंद्र ने 7 वैदिक मंत्रों का पाठ किया। इसके पश्चात श्री राधा अपना हस्तकमल श्री कृष्ण वक्षस्थल पर एवं श्री कृष्णचंद्र अपना हस्त पद्म श्री राधा के पृष्ठ देश पर रखते हैं। श्री राधा मंत्र समूह का पाठ करती हैं। आजानुलंबित दिव्य अतिदिव्य कुसुम माला श्री राधा श्री कृष्णचंद्र को पहनाती हैं एवं श्री कृष्णचंद्र सुंदर मनोहर वनमाला श्री राधा के गले में डालते हैं। यह हो जाने पर कमलोद्भव श्री राधा को श्री कृष्णचंद्र के वाम पार्श्व में विराजित कर दोनों को अंजलि बांधने की प्रार्थना कर दोनों के द्वारा 5 वैदिक मंत्रों का पाठ कराते हैं। अनंतर श्री राधा श्री कृष्णचंद्र को प्रणाम करती हैं। जैसे पिता विधिवत कन्यादान करे वैसे सारी विधि संपन्न करते हुए विधाता श्री राधा को श्री कृष्ण कर कमलों में समर्पित करते हैं। आकाश दुंदुभी पटह मुरज आदि देव वाद्यों की ध्वनि से निनादित होने लगता है। आनंद निमग्न देववृंद परिजात पुष्पों की वर्षा करते हैं। गंधर्व मधुर गान आरंभ करते हैं। अप्सराएं मनोहर नृत्य करने लगती हैं। ब्रज सुंदरियों के सर्वथा अनजान में ही इस प्रकार विश्वभानु नंदिनी एवं नंद नंदन की विवाह लीला संपन्न हो गई। श्री राधा माधव के इस विवाह प्रसंग में श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा है उससे श्री राधा का महत्व तथा श्री राधा के साथ श्री कृष्ण का अभिन्न संबंध स्पष्ट हो जाता है। इसके अतिरिक्त श्री देवी भागवत में आया है, श्री राधा जी श्री कृष्ण को प्राणों से बढ़कर हैं। कारण श्री कृष्ण राधा के अधीन हैं।
राशेश्वरी राधा नित्य उनके समीप रहती हैं। उनके बिना श्री कृष्ण रह ही नहीं सकते। पद्म पुराण में श्री देवर्षि नारद जी से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अग्नि में जैसे दाहिका शक्ति है, वैसे ही मेरी प्रियतमा श्री राधा हैं। उनके साथ क्षण मात्र के लिए मेरा बिछोह नहीं होता। ऐसे असंख्य प्रमाण हैं। इससे स्पष्ट है श्री राधा कृष्ण एक ही तत्व के दो नित्य स्वरूप हैं। इतने पर भी जिनको शंका हो उनके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है। श्रीमद् भागवत में गुप्त रूप से राधा। कुछ सज्जन पूछते हैं कि श्रीमद् भागवत में राधा का नाम क्यों नहीं है। इसका उत्तर यह है कि श्रीमद् भागवत में तो यों श्री यशोदा जी को छोड़कर किसी भी गोपी का नाम नहीं है, इसलिए राधा जी का नाम न होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु भागवत में श्री राधा हैं, यद्यपि वे दूध में घी की भांति अप्रकट हैं। भक्त अनुभवी टीकाकारों ने श्री राधिका जी का भागवत में प्रत्यक्ष किया है और उन्होंने संकेत भी किए हैं। भक्तों के पालक कुयोगियों के लिए दुर्गे प्रभु को हम नमस्कार करते हैं। वे भगवान कैसे हैं? स्वधामनी अपने धाम वृंदावन में राधसा श्री राधा के साथ क्रीड़ा करने वाले हैं। और वे राधा कैसी हैं जिन्होंने समानता और आधिक्य को निरस्त कर दिया है, अर्थात जिनसे बढ़कर तो क्या समानता करने वाला भी कोई नहीं है। रास प्रसंग में गोपी कहती है, अवश्य ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की वे आराधिका आराधन करने वाली राधिका होंगी, इसलिए उन पर प्रसन्न होकर हमारे प्यारे श्री कृष्ण ने हमको छोड़ दिया है और उन्हें एकांत में ले गए हैं। इस प्रकार गहराई से देखने वालों को श्रीमद् भागवत में लीला में तथा शब्दों में भी श्री राधा के स्पष्ट दर्शन होते हैं। पर यदि किसी ग्रंथ में नाम न भी आया हो तो क्या हमारे लिए उन महात्माओं के अनुभव ही प्रबल प्रमाण हैं जिन्होंने अपने नेत्रों से श्री राधा के दर्शन किए हैं, उनकी कृपा प्राप्त की है तथा जो अब भी कर रहे हैं। ऐसे महात्माओं की वाणी का अमित मूल्य है। अतएव श्री राधा श्री कृष्ण की विवाहिता पत्नी थी या नहीं, उनका नाम अमुक ग्रंथ में आता है या नहीं, इन शंकाओं में न पढ़कर काय मन वचन से उनके शरणापन्न होकर उनका भजन करना चाहिए। श्री राधा माधव से कातर प्रार्थना करनी चाहिए, नाथ पुत्र मित्र ग्रह आदि से घिरे हुए संसार सागर से आप ही मेरी रक्षा करते हैं, आप ही शरणागत जनों का भय भंजन करते हैं। यह मैं मेरा यह देह और इह लोक परलोक में जो कुछ भी मेरा है आज वह सब मैं आपके श्री चरणों में समर्पण करता हूँ। मैं अपराधों का घर हूँ, मेरे अन्य कोई साधन नहीं है, मेरी कोई गति नहीं है, नाथ आप ही मेरी गति हैं। श्री राधिका रमण श्री कृष्ण कांते मैं तन मन वचन से आपका ही हूँ, आप युगल सरकार ही मेरी अनन्य गति हैं। मैं आपके शरण हूँ, आपके चरणों में पड़ा हूँ, आप करुणा की खान हैं। मुझ दुष्ट अपराधी पर कृपा करके मुझे अपना दास बना लीजिए। बोलो श्री कीर्ति कुमारी वृषभानुनंदिनी कृष्णानंदिनी राधा रानी की जय हो। जय श्री राधे।